नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के सिंह में इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आपस में ही मारपीट कर ली। दरअसल सिंह की विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तब तहरीक ए इंसाफ पार्टी के नेताओं में जमकर लात घुसे चले। माहौल इतना भयावह हो गया कि महिला नेताओं को वहां से भागना पड़ा। अब सिंह की विधानसभा में हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैडम ना ठीक है। ये पीटीआई के अराकीन आए हैं, वो गबोल साहब है शहरियार शहर और अबड़ो साहब वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ आए हैं, तो असेंबली के अंदर ये फड्डा हो गया है। ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मेम्बरान आपस में लड़ रहे हैं, असेंबली के अंदर झगड़ा हो गया है, ये फड्डा हो गया है बड़ा। वो शहरियार शहर निकल के जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के मेम्बरान के साथ, वो चांडियो साहब वालों के साथ, वो शहरियार शहर जा रहे हैं असेंबली से बाहर पीपी वालों के साथ। असलम अबड़ो भी पीपल्स पार्टी के साथ निकल गया, बाकी गबोल बेचारा फंस गया है मेंबरों के बीच में और ये लड़ाई हो रही है असेंबली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोगों का फड्डा हो रहा है। ये देखो ये क्या हो रहा है। ये है सिंध असेंबली, ये लड़ाई हो रही है। वो दो मेंबर तो निकल गए पीपी वालों के साथ, ये एक बेचारा फंस गया, उसको मारपीट हो रही है। दरअसल सिंह विधानसभा में बीते दिन सीनेट चुनाव को लेकर मतदान होना था। इसी बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ के 30 सदस्यों ने ऐलान किया कि वो अपनी मर्जी से ही मतदान करेंगे, यानी उन्होंने पार्टी के निर्देश से अलग जाकर वोट डालने की बात कही। बस फिर क्या, इसी बात पर पार्टी के बाकी सदस्य खफा हो गए और विधानसभा के अंदर ही बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत लात घूंसे चलने तक आ गई। इसी हलचल का एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर सदन में मची हलचल के बीच पाकिस्तान की महिला विधायक भी भागती हुई नजर आ रही है। पीपीपी की नेता शर्मिला फारूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के सीनियर चुनावों में भले इमरान खान की पार्टी को अधिक सीटें मिली हो, लेकिन इमरान खान की सरकार में कैबिनेट मंत्री अब्दुल हफीज शेख अपनी सीट गवा बैठे हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हराया है, जिसके बाद पाकिस्तान में विपक्ष इमरान खान पर हमलावर है। विपक्ष के इन्हीं हमलावरों का सामना करने के लिए अब इमरान खान को नेशनल असेंबली में विश्वास मत का भी सामना करना पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान का विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ, ये इमरान सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।